आज के जानकार को अपने साथ जोड़ लेते हैं। रोहित सिंगरे हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के। रोहित नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या व्यू रखते हैं आप निफ्टी को लेकर, आज एक अच्छी तेजी शुरुआती दौर में देखने को मिल सकती है? गुड मॉर्निंग सुमित, आई थिंक बिल्कुल एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को फ्राइडे सेशन में देखने को मिला था। मेरे ख्याल में काफी अच्छी ओपनिंग भी हम लोग देख सकते हैं, बट अभी भी व्यू वही रहेगा। अगर 10,500 का निफ्टी होल्ड करते तो डेफिनेटली फर्स्ट लेवल जो रहेगा जनवरी के अंदर 10,690 रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। एक 670 से 690 एक 128.6 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, तो आई थिंक वहाँ एक नजर काफी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी हमारी। तो मेरे ख्याल में अगर बाइंग करके चलना चाहिए तो 10,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 650 का रहेगा, 650 के ऊपर निकलती है निफ्टी तो 690 से लेकर 700 तक के इमीडिएट टारगेट रहेंगे जनवरी सीरीज के लिए। ओके रोहित, बैंक निफ्टी को लेकर व्यू क्या है? बीते सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेकेंड हाफ के अंदर देखने को मिली, अपने डे हाई के आसपास बंद हुआ, वहाँ पे क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा कन्विक्शन अभी भी कम है मेरा, बट ओवरऑल अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी तो हम लोग को देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ ही मूव करती है। बट एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा कन्विक्शन मेरा कम लग रहा है बैंक निफ्टी के अंदर बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक। आई थिंक अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 26,000 के टारगेट हम लोग इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं जनवरी सीरीज के अंदर। तो मेरे ख्याल में दोनों ही बाय ऑन डिप है, बट निफ्टी ज्यादा कन्विंसिंग लग रही है कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। कुछ शेयर्स जो आपने आइडेंटिफाई कर रखे रोहित? आई थिंक बिल्कुल बैंक निफ्टी अगर शेयर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडसइंड बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। यहाँ पे एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है और 1740 का इमीडिएट टारगेट रहेगा आज के सेशन के लिए और एक 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा DHFL रहेगा, काफी अच्छी मूवमेंट हम लोग ने फ्राइडे के सेशन में देखी थी, तो आई थिंक मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो मेरे ख्याल में एक बार 630 तक स्टॉक मूव कर सकता है, 600 रुपए का एक बार स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे के लिए हिसाब से मेंटेन करके चलना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित अपनी कॉल्स बताने के लिए, बाजार पर रणनीति बताने के लिए। तो दीवान हाउसिंग उन्होंने चुना है पहला शेयर, उनकी तरफ से 630 रुपए के टारगेट्स के अलावा इसमें खरीदारी करें, 600 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 611 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और इंडसइंड बैंक नंबर्स अवेटेड है इस हफ्ते, 10,650 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 10,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 10,500 इनफैक्ट निफ्टी ही कॉल थी, लेकिन कुछ और कॉल्स में जो है जो क्रूशियल है वो है इंडसइंड बैंक, जहां पर आप नजर रख सकते हैं।